नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन लोग अपने अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और मनुष्य जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिनको महाशिवरात्रि पर करने से जीवन में सुख और समृद्धि के साथ धन की वृद्धि की भी मान्यता है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। काले तिल मिलाकर करें अभिषेक। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का गंगा जल और काले तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जो काम रुके हुए थे वो बनना शुरू होते हैं। माँ लक्ष्मी की होती है प्राप्ति। भगवान की पूजा में अखंड चावल चढ़ाने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वही मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर एक वस्त्र चढ़ाकर उस पर चावल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, लेकिन ध्यान रहे कि भगवान शिव की पूजा में टूटे हुए अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भौतिक सुखों की होती है प्राप्ति। शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर चढ़ाने से भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होती है और पितर भी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए रुद्राभिषेक के समय शिवलिंग पर जौ और गेहूं चढ़ाने चाहिए। शनि दोष से मिलती है मुक्ति। महाशिवरात्रि के दिन शनि की साढ़े साथी और ढैया से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, साथ ही शाम को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। वैभव और सुख की होती है प्राप्ति। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक शक्कर और गन्ने के रस से करना चाहिए। ऐसा करने से वैभव, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खीर का लगाएं भोग। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें, साथ ही भोलेनाथ को खीर का भोग लगाकर गरीबों को खीर खिलाएं। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। पारद शिवलिंग करें स्थापित। महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा पारद शिवलिंग घर में लाकर उसकी विधिवत स्थापना करें और प्रतिदिन धूप बत्ती पुष्प आदि चढ़ाकर पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आस्था जगत की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।